अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। 1/3 कप तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 किलो चिकन, बोनलेस चिकन है, आप चाहो तो बोन वाली चिकन भी ले सकते हो। मिक्स कर लेंगे। ये शान का निहारी स्पाइस मिक्स है, 1 टेबल स्पून ये भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। वन फोर टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज टमाटर का मैंने पेस्ट बना दिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी मिक्स कर लेंगे सब कुछ। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा कम ही डालेंगे, निहारी मिक्स में भी नमक होता है। पानी डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने के 5 मिनट बाद थाली खोल देंगे। 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा पानी में मिक्स कर दिया है, घोल दिया है, अब ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आटे का घोल डालने के फौरन बाद हमको मिक्स कर लेना है, वरना इसके लम्स बन जाएंगे। देखिए मिक्स कर लेना है, जैसे ही आटा डालो वैसे ही हमको मिक्स कर लेना है, पानी डाल देना है। अब फास्ट फ्लेम पे इसको पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद फ्लेम स्लो कर देंगे। एक बड़ी साइज की प्याज मैंने 1/3 कप में फ्राई कर लिया है, लाल कर दिया है, इसको वापस से फ्लेम पे रख देंगे। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे चिकन में। नमक टेस्ट कर लेंगे, नमक कम हो तो नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसको 5 मिनट तक ढककर। 5 मिनट तक सिंपल रख दिया था, अब ये रेडी है, ऑफ कर देंगे गैस को। चिकन निहारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।